ज्ञान ध्यान किश करमणा जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सत गुर नानक जिन कल राखी मेरी बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सतवार जिन मानस ते देवत किए करत ना लगी वार जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। एक और नाल पढ़ियो जी, जुग जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दी अपार कृपा रहमत बख्शिश नाल आप जी गुरु साहिब दीआं पावन असीसां दे पात्र गुरबाणी कीर्तन द्वारा बन रहे सी। गुरु साहिब जी ने अपार दया कीती है, जो सवासां दी पूंजी मालक जी ने साडी गरीबां दी झोली विच पाई है, उन्हां सवासां नूं सफल बनाउण दा यतन गुरु साहिब दी पावन गोद विच बह के करना है। जिन्ना कु समां बख्शिश होया है, क्योंकि इहदे विच कोई शक नहीं, बापू जी ने पावन बाणी विच जिहड़े बचन कीते ने कि इनसानी जीवन दा सच इह है कि सवास आउंदे रहण तां उहनूं बंदा कहिंदे ने, ते जे सवास खत्म हो जाण तां उसे बंदे दा दूजा नाम हुंदा है डेड बॉडी पई होई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणा विच बेनती है, मालक इह इनसानी जामा डेड होण तों पहलां पहलां जिस मकसद वास्ते तूं दित्ता है ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 84 ਸਿੱਧ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
कवन मत वेला तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला तू किदे कोलो ए सज दी सिख्या लई है किदे कोलो ए धर्म दी वडियाई प्राप्त कीती है ते इस सवाल दे नाल उन्होंने होर भी सवाल कीते ए जड़ा टाइम चल रहा है इस टाइम दे विच सानू करना की चाहिदा है ते नाल उन्होंने एक छोटा जिहा होर सवाल कर दिता कि सृष्टि की रचना किदां होई जिहड़ा बहुत सियाणा बंदा हुंदा है वह बहुत घट बोलदा हुंदा है ते बहुत घट बोल के भी वह बहुत ज्यादा गल्लां समझा दिया करदा है ते इहदे विच कोई शक नहीं कि सिद्ध बड़े सियाने सी लेकिन उन्हां दी सियाणप सारी हंकार दे हेठां दबी होई सी। गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां दा संखेप सवाल सुनिया ते संखेप जवाब गुरु नानक साहब ने दिता कहिंदे पवन आरंभ दुनिया पैदा हुई है पवन तो हवा तो पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला दुनिया की शुरुआत हवा तो हुई है हवा तो पानी बनया पानी तो तिने लोग पैदा होए ने सारी सृष्टा सृष्टि की रचना हुई पवन आरंभ सतगुर मत वेला ते ये जिहड़ा टाइम जा रहा है ये है गुरु की मत लैण दा क्योंकि लोग भटके हुए ने ते गुरु की मत लैण दा एक समय पवन आरंभ सतगुर मत वेला बापू जी कहिंदे शब्द गुरु सुरत धुन चेला मेरा गुरु शब्द है ते चेला मेरा है मेरी मत मेरी सोच मेरे विचार जिन्होंने शब्द नूं जीवन दे विच धारण करके ते अपने जीवन नूं सोहना बना लिया। सिद्धां ने गुरु नानक साहिब महाराज नूं कई सवाल कीते ने उन्हां सवालां दे विचों केवल मैं तां इन्ना छोटा जिहा सवाल कीता है क्योंकि अज जिहड़ी विचार असीं करन लगे हां उह गुरु अते सिख दे प्यार दे प्रति है। एक शब्द गुरबाणी विच बहुत वार आया है गुरु सतगुरु ते गुरप्रसाद काफी वक्खो वक्खरे ढंग तरीके नाल सतगुरु ने वरत्या पर मैं हैरान रह गया कि जिन्हां चीजां दे उत्ते पैर धर के असीं जिंदगी दी मंजिल वल वधदे आ ना बहुत वार सतगुरु इन्नी निम्रता विच आए कि जिन्हां चीजां उत्ते नित असीं पैर रखदे आ उन्हां चीजां उत्ते भी शब्द गुरु ने लिख दिता गुरु। हुण मैं तुहाडे मूहरे एक शब्द रखण लगा फिर नाल आपां उस इतिहास पक्ष दीआं विचारां वल भी वधांगे। सतगुरु ने आखा कहिंदे गुर बेड़ी गुर पौड़ी पौड़ी किनू कहिंदे ने जिहदे उत्ते पैर रख के असीं अपनी मंजिल वल वधदे आ गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम असीं जदों एक मंजिल तो दूजी मंजिल ते चढ़न चढ़ना है ते पौड़ी दे उत्ते पैर रख के जांदे आ कोई बंदा पौड़ी दे उत्ते अपना कदे सिर नहीं रखदा पैर रखदा है ते गुरु किन्नी निम्रता दे विच आउंदा है। कहिंदे सतगुरु महाराज कहिंदे रब दी दरगाह विच जे जाणा है परमात्मा दी प्राप्ति करनी है ते गुरु नूं पौड़ी बना। मेरे ख्याल विच इहदे तों वध निम्रता दी कोई सिखर नहीं होवेगी। जे रब तक तू पहुंचना है ना ते छाल मार के तू सिद्धा नहीं जा सकदा तू गुरु नूं बना पौड़ी ते उस पौड़ी दे डंडियां दे उत्ते पैर रख रख के चल गुरु दे उत्ते पैर रख रख के चल सतगुरु तैनूं रब तक पहुंचा देवेगा। इतने छोटी जी मैं एग्जाम्पल दे दवा एक भाई मरदाना गुरु नानक साहब महाराज के कोल बैठे ने भाई मरदाना गुरु नानक साहब तो 11 साल उम्र विच वड्डे ने गुरु नानक साहब ने एक सवाल किया भाई मरदाने ने बाबा तेरा मेरा रिश्ता की है ते जन्म साखी का करता उत्थे बड़े सोहने शब्द लिखदा है। जदों गुरु नानक साहब नूं सवाल किया बाबे ने मरदाना जी ने बाबा तेरा मेरा रिश्ता की तो गुरु नानक साहब महाराज जवाब देंदे ने तू मेरा भाई है तू मेरा भरा है। एक जगह से होर एग्जाम्पल पढ़न नूं मिलदी जदों भाई मरदाना बहुत लाड विच आउंदे ने इत्थे मैं तुहानूं बेनती कर दवां उम्र दा कोई तकाजा नहीं लाड होवे ना प्यार होवे ते इंसान ये नहीं देखदा कि मेरी उम्र किन्नी ते सामने वाले की उम्र किन्नी। गुरु अमरदास महाराज जदों गुरु अंगद साहब के पावन दरबार विच आए ने ते उन्हां दी उम्र 62 साल है ते जदों ओह गुरु बने ने ते उन्हां दी उम्र तकरीबन 73-74 साल के करीब बन चुकी सी। 62 साल के गुरु अमरदास महाराज गुरु अंगद साहब की पावन चरण छोह विच आउंदे ने अजे गुरु अंगद देव महाराज वेख्या जाए तो उम्र के पक्षों गुरु अमरदास महाराज तो छोटे ने ते रिश्ते विच कुड़म लगते हैं। गुरु अमरदास महाराज जदों गुरु अंगद साहब के दरबार विच आउंदे ने बीबी अमरो दे नाल जिहड़ी गुरु अंगद देव महाराज की सपुत्री है ते कहिंदे ने चरणी हाथ लाउण लगे ना गुरु अमरदास साहब जी तो गुरु अंगद साहब जी ने खड़े होके अपनी छाती तान ली बाहां खिलार लिया कहिंदे ने नहीं चरणी नहीं हे कदे नाल लगो घुट के जफी पाउण लगे तो गुरु अमरदास महाराज ने कहा सी अज मैं एक कुड़म की हैसियत दे नाल नहीं
अज एक सिख की हैसियत नाल आया ते मैं चाहना मैनू अपने पावन चरणा दे विच निवास दे दो होर टासरा दे दो तां कि मैं जिंदगी की मंजिल मार सकां, क्योंकि 62 साल जिंदगी के व्यर्थ चले गए ने। आ थोड़ा जिहा जिहड़ा टाइम मिलिया मैं उहनू सफल करना चाहना। फिर मैं भाई मरदाना दे वल आ जां। भाई मरदाना लाड विच आके एक दिन गुरु नानक साहिब नूं कहिंदे ने, बाबा तेरे मेरे में काई अंतर नाही। काई दा मतलब हुंदा कोई नहीं, जनम साखी कहिंदी तेरे मेरे में काई अंतर नाही, बाबा तेरे मेरे विच कोई बहुता फर्क नहीं। तां गुरु नानक साहिब महाराज हस के कहिंदे ने, मरदानिया किदां? ते भाई मरदाना जी कहिंदे, बाबा तूं खुदाए दा डूंग, मैं तेरा डूंग। ते डूंग दा आखरी अर्थ हुंदा गाउण वाला। बाबा तू खुदाए दा डूम, मैं तेरा डूम। तू रब वास्ते गाउंदा, मरदाना तेरे वास्ते गाउंदा है कि ना? तू भी गवैया हो गया ते मैं भी गवैया हो गया, ते तेरे ते मेरे विच की फर्क रह गया? गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज तुरे ने, उन्होंने किसी दूजे पिंड विच जाना है ते रस्ते विच सतलुज दरिया पैंदा है। उस सतलुज दरिया तू पार लंघाउण वास्ते कई किश्तियां ने। उत्थे इक सहते मलाह दी किश्ती है, वह गुरु का प्यार है ते गुरु के पावन चरणा विच भिजा होया है। जदों सिखां दे नाल कलगियां वाले बापू जी पहुंचे ना सतलुज दरिया के कंढे, ते मैं तुहानू इक बेनती कर दवां, भाई साहब ने जिवें शुरुआत विच कहा सी ना, सुरत जोड़ के सुनियो जरा, क्योंकि जिन्ना कु साडे कोल टाइम हुंदा है उन्ने कु टाइम नूं जेकर असीं सफर कर लईए ते बहुत वड्डा भंडार सानूं गुरु दीआं साखियां ते गुरु दीआं विचारां पावन बाणी दे राहीं मिल सकदा है। पर याद रखियो, बंदे नूं प्यास लगी होवे ते बंदा मूंह ते पानी सुट्टी जावे, प्यास खत्म हुंदी है? क्यों गुरमुखो? कदे नहीं खत्म हुंदी। पानी पीता जाए तां प्यास खत्म हुंदी, ते जे बंदा मूंह च लंघा भी लवे ते कुरलियां करी जाए ते फिर भी प्यास खत्म हो जाती है, नहीं ना हुंदी? ते प्यास तां उदों खत्म होनी है जदों तुसीं पीओगे, ते जदों एक कण राहीं सुनिया ते दूजे कण राहीं बाहर कढ दित्ता ते भोलियो, प्यास फिर भी खत्म नहीं होनी है, तां सुनना पैणा है। क्योंकि बापू ने पावन बाणी विच आख्या, कहिंदे ने, सुन हर कथा उतारी मैल। वह कथा गुरबाणी का कीर्तन भी हो सकता है, ते वह कथा गुरबाणी का पाठ भी हो सकता है, ते वह कथा आ भी कथा हो सकती है जिहड़ी मैं तुहाडे सामणे रख रही, पर जदों तुसीं सुनोगे फिर मैल उतरनी। कहिंदे जदों कलगियां वाले सच्चे पातशाह जी पहुंचे ना दरिया के कंढे ते, सिख नाल सन ते सहते मलाह नूं आख्या वी उहना आ सहते, असीं दूर किसे पिंड जाणा है, सानू अपनी बेड़ी विच असवार करके सानू दूजे कंढे उत्ते लाया। भाई सहदा जी बड़ा भिज्जा होया सी गुरु दे प्यार दे विच, उहने सतगुरु नूं कहा वी मेरे वड्डे भाग तुसीं अज आए हो, आप जी कृपा करके अपने पावन चरण मेरी किश्ती विच रखो। सिख सवार होए ने, कलगियां वाले बापू वी असवार होए ने। कहिंदे जदों कंढा आया ते सारे सिख उतर गए ने, कलगियां वाले बापू ने अपनी जेब दे विच हाथ पा लिया पाया ते जिहड़ियां अशरफियां सन उह बाहर कढ़ियां ने। अशरफियां बाहर कढ़ के कलगियां वाले बापू कहिंदे, लै भी सहदिया जिन्ने तेरे पैसे बने ने तू लै। ते सहदे ने अगों हाथ जोड़ के कहन लगे, सच्चे पातशाह महाराज मैं अपनी बरादरी वालियां कोलों पैसा नहीं लैंदा, ते मेरा ख्याल है जे अज दा कोई सिख हुंदा, क्योंकि अज निम्रता बहुत घट पाई जांदी है, हंकार बहुत पाया जांदा है। जिवें भाई साहब जी ने बेनती कर भी दी है सारी गल्लां दे विच, निम्रता घट पाई जांदी है, हंकार वध पाया जांदा है। उहदे दो कारण ने, एक सानू जन्म देण वाली मां है जिहदी कुख दे विचों असीं पैदा हो के इन्ने वड्डे हो चुके हां, एक साडा आ प्यो बैठा जी जिन्हें मां बनना है ते इहदी कुख दे विचों असीं जन्म लैणा है, ते जिन्हां ने लिया है वह रस दे विच भिज्जे ने, ते जिन्हां ने नहीं लिया वह हंकार दे मीह दे विच रात दिन नहाउंदे फिरदे ने, वह किसी दी सुन भी नहीं सकदे। शब्द पढ़िया जा रहा सी ना, मालिक जी ने इशारा बड़ा सोहना किया, कहिंदे ने, हे मेरी मां तू जिहड़ी मैनू असीस दित्ती है, क्योंकि गुरु नूं संबोधन करके कह रहे, हे मेरी मां तू जिहड़ी मैनू असीस दित्ती है वह असीस मेरी पूरी जिंदगी नाल रहिणी है। ते मां भी बड़े प्यार नाल कहिंदी है, पूता माता की असीस। मां कहिड़ी है? गुरु नानक साहिब महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे ने, मैं तेरी मां हां, ते मैं मां बन के तेनू कहिंदा पुत्रा तेनू गुरु मां की असीस लगे, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश, के सदा तू अकाल पुरख वाहिगुरु के प्रेम च भिजिया रवे। ते याद रखियो, जिन्हां ने जन्म लिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मां मन के इहदी कुख दे विचों तत्तियां तवियां ते बैठे ने, नहीं डोले ने, सीस आरे नाल चुरवा ले ने, नहीं डोले ने, बंद बंद कटवा लिया, नहीं डोलिया। भाई मनी सिंह जी एक प्यारी जी मैं गल कह लगा, कहिंदे जलाद ने हाथ विच टोका पकड़िया, गुरु ते सिख दा प्यार देखियो, जलाद ने हाथ विच टोका पकड़िया, भाई मनी सिंह जी नूं सामने लिआंदा गया,
ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਟੋਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਲਾਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਸੁਣੋ ਜਲਾਦ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲਾਟ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ 500 ਦਮੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਦੋ ਟਾਈਮ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ, ਚਾਰ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਇਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਫੁੱਫੜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਆ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲਾਟ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਣੋ ਜਲਾਦ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਸਵਾਬ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਤੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੇ ਰੱਬ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਜਲਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਪਕੜਿਆ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਅੰਗ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਕਾਟੋ ਤੈਸ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੱਟ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਲਾਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇਖ ਲੈ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਸੁਣੋ ਜਲਾਦ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਸੁਆਬ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਅੰਗ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਕਾਟੋ ਤੈਸ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਜੋ ਤਨ ਕੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਸਭ ਕੀਜੋ, ਭਲਾ ਤੁਮਾਰਾ ਖੁਦਾਏ ਕਰ ਹੈ ਇਮ ਸੰਗ ਹਮ ਸੰਗ ਤੁਮ ਇਮ ਸੀਜੋ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਹਿਦਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ। ਸਹਿਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਗ ਲਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ।
छोटी जी मैनू बेनती कर लैंदे हो, अज टाइम मिले पता नहीं बाद च आना कि नहीं आना। कदे किसी सिख ने दूजे सिख की दाड़ी हाथ नहीं सी पाया, कदे सिख दूजे की पग नू हाथ नहीं सी पाउंदा, ते कदे एक सिख किसी दूजे दे वल तलवार लहरा के नहीं सी कहिंदा मैं तेरा सिर ला के हेठां रख देना। हुंदियां नहीं सी ना लड़ाइयां, पर अज अकाल तख्त साहिब उत्ते वी लड़ाइयां हुंदियां ने। एक सिख ने तलवार पकड़ी है, दूजा नेजा लैके बैठा है, वह कहिंदा तू मेरी धौण ना लगा, मैं तेरे सीने विच नेजा लगावांगा। ते उहदे तों बाद विच शब्द बणे ना कि सिख कदे ना हारे, जे सिख सिख नू ना मारे तां सिख कौम कदे ना हारे, जे सिख सिख दा दुश्मन ना ना होवे। ते याद रखो दुनिया की सब तो सर्वश्रेष्ठ कौम सिख कौम है। एच एल ब्रॉडशाह का नाम सुनिया होगा, तुसी अमरीका विच रहिंदे हो, अमेरिका का ही विद्वान सी, उन्हें अपनी एक बुक लिखी है, उहदे विच उहने एक बड़ी सोहनी गल लिखी। उह सिखी नू कहिंदा, कहिंदा सिखी नवें युग का धर्म है, उहदे आ शब्द ने एच एल ब्रॉडशाह। मेरे ख्याल दे विच उहने अज दे सिख नहीं सी वेखे, उहने वेखे उहदे ते उहने शब्द वरतने नहीं सी, उहने शब्द वरते कहिंदा सिखी एक नवें युग का धर्म है। ते गां जाके कहिंदा सिखो तुसी ए सोचना बंद कर दिओ कि सिखी एक वधिया धर्म है, कहिंदा ए सोचना शुरू कर दिओ पूरे विश्व का इको ही धर्म है, उहदा नाम सिख धर्म है। यह शब्द उहने वरते ने, ते मेरे ख्याल दे विच जे उहने शब्द वरते ने उहने कुछ पाया है। मैं राती भी एक बेनती कीती सी मिस मैरी दी, वह आई गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सिद्धांत बदलने वास्ते सी, पर जदों उहने अपनी झोली अड्डी ते इन्ना कु ज्ञान पा दिता कि वह मिस मैरी अपने ऑफिस अफसर दे कोल जाके कहिंदी है, सर मैं बदलने वास्ते गई सी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं, लेकिन माफ करियो मैं खुद बदल गई हूं। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर दुल्हा हर नाओ, गुर सर सागर बोहितो, गुर तीर्थ दरियाओ, जे तिस भावै उजली सत सर नहावण जाओ। गुरु विच इन्नी कु करामात है, इन्नी कु बख्शिश है कि जिहड़ा बंदा अपनी झोली अड के एक बारी चला जाए ते आके बापू मैं तेरा बन गया, मैनू हुण तेरे घर तों अलावा दूजा कोई घर नजर नहीं आउंदा, इह झोली मेरी खाली है, जो पाउणा तूं पाउणा, मैं किसे दूजे पखंडी दे चरणां विच नहीं जाणा। ते याद रखियो भाई मरदाने वांगू सीने नाल लै के बाबा नानक कह दिंदा मरदानिया चेते रखी, जदों जदों लोक गुरु नानक नूं याद करनगे भाई मरदाना नाल खड़ा होया पाउणगे। इहदे विच कोई शक नहीं, बाबे नानक नूं याद करदे आ ते भाई मरदाना मूहरे आ के खड़ा हो जांदा है। कहिंदे ने जदों भाई साहिब जी ने कहा ना कि मैं अपने बरादरी वालियां कोल पैसा नहीं लैंदा, ते थोड़े जे सिखां विच रोस जागिया, कहिंदे ने सहदिया गुरु तेरी बरादरी दा किवें होया, ते भाई सहदा बड़ा सियाणा सी, उहने इक शब्द वरतिया, कहिंदे ने याद रखो गुरु दे प्यारियो, सतगुरु दे प्रति एक शब्द वरतिया जांदा है, गुर बेड़ी। गुरु कौन है? गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरियो ना कोई। गुरु जहाज है, गुरु बेड़ी भी है, गुरु मराद है, ते जेड़ा ओदे विच सवार हो जाए गुरु उन्हूं तार दिंदा है। कहिंदे गुरु भी तारन वाला है, क्योंकि गुरु भी एक बेड़ी है, गुरु भी मलाह है, ते मैं भी एक छोटा जिहा मलाह, मैं सतलुज दी नदी तों पार करन वाला मलाह हाँ, ते गुरु संसार सागर तों पार करन वाला मलाह है, मलाह सतगुरु भी आ, मलाह मैं भी हाँ, ते हो गई ना साडी दोवां दी एक बरादरी, ते मैं अपनी बरादरी वालियां कोलों पैसा कितना लै लवां। ये सिख अते गुरु का प्यार है, सिख ते गुरु की मुहब्बत है। एक थोड़ी जी एग्जाम्पल मैं होर तुहानू दे के अगां तुर लगा, नाल नाल असीं गुरबाणी के थोड़े शब्द भी लवांगे। गुरु हरगोबिंद महाराज के जीवन की एक छोटी जी घटना भी मैं तुहाडे नाल सांझी करनी है। कहिंदे ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज चमकौर की गढ़ी के विच ने, जदों बाबा अजीत सिंह जी शहीद हो गए ने, बाबा जुझार सिंह जी शहीदी जामा पी गए ने, उत्थे शीतल जी ने एक बड़ी सोहनी गल लिखी, सरदार सोहन सिंह शीतल, जिहड़े उस टाइम दे बड़े महान कवि भी होए ने, ढाडी भी होए ने, ते बड़ियां सोहनियां उन्हां दीआं रचनावां ने, उन्हां ने एक बड़ी सोहनी गल आखी, कहिंदे हस शहीदी पा गया जद लाल चुटेरा। मेरा अज दा सारा विशा गुरु अते सिख दे प्रेम दे उत्ते संबंधित है। उह कहिंदे ने हस शहीदी पा गया जद लाल चुटेरा, अखां सावें हो गया उह बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उहनूं वीर वढेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा। अगे शब्द वरते कहिंदे तेरा तुझको सौंपते क्या लाग्या मेरा, हुक्मर जाई चलना ज्यों करे चंगेरा, मेरे नाल 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 पढ़ियो वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। एक बारी सारे पढ़ियो वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा, बापू तेरा जेरा धन है, अपने पुत कटवा के तू सिख कौम का मान रखिया। मैं कहांगा अज के लीडर भी धन है, अपने पुतां दी खातर पूरा पंथ ही डोबी जांदे ने। सतगुरु ने
पंथ की खातर पुत वार दिते ने, अज पुतों की खातर साढ़े लोग पंथ वारी जाते हैं, है ना फर्क। यह फर्क केवल इस करके क्योंकि असी बाणी समझी नहीं, इतिहास समझा नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इरादा किया, कहते मैं अपना जथा लैके चलांगा। गुरु के सिखां ने विचार की, कहते असी लखां भी कट्ठे हो जाइए एक कलगियां वाला पैदा नहीं कर सकते, ते जे असी लखां मर जाइए एक कलगियां वाला होया ते साडे वर्गे लखां होर दया सिंह धर्म सिंह हिम्मत सिंह पैदा हो जाणगे। कहिंदे ने जदों गुरु दे सिखां ने सतगुरु नूं जाके रिक्वेस्ट कीती, मालक जी बेनती है तुहानूं आप जी गड़ी छड के चले जाओ, ते मालक जी ने अगों जवाब दिता, किनूं कह रहे हो? कलगियां वाले ने, उस गोबिंद सिंह नूं कह रहे हो जिन्हें अपने लाला तो वध प्यारे जानों वध प्यारे सिख कुर्बान कर दिते ने। अज जे मैं गढ़ी छड़ के जाना, लोग तुहमता ला देंगे, कहणगे वेखो कलगियां वाला डर के छुप के भज गया, मावां दे बगानियां मावां दे पुत मरवा दिते, कहिंदे मैं जाना नहीं। उन्होंने एक फैसला किया, कहिंदे बापू ने खालसा पंथ सजिया है, ते बड़ी वड्डी अथॉरिटी एक खालसा पंथ नूं बख्शिश की, पंजां प्यारे नूं बख्शिश की। जीवन होवे सतगुरु कदी गल नहीं जे मुड़दा। ते मैं संखेप इन्नी गल दे विच सारी गल तुहानूं समझा देनी चाहुंदा, जीवन होवे सतगुरु कदे मोड़दा नहीं। उस टाइम सिखां दा जीवन सी, सतगुरु दे कोल आए ने, मालक जी जे इदां नहीं तां फिर दूजे ढंग नाल ही सही। तुसीं सिख कौम दी वागडोर जदों पंथ नूं बख्शिश कीती, गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया बिठाया, ते मालक जी तुसीं कुछ अथॉरिटी दित्ती, उस अथॉरिटी दे जरिए तुहानूं इक बेनती करन लगे हां, बापू गड़ी छड के चली जायो। हुण सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने हाथ जोड़े ने, हुण कुछ कह नहीं सके ने, कहिंदे पर महाराज ने कहा मेरी एक शर्त है। पहली तां गल है मैं चुप चपीते नहीं जे जाना, मैं नगारे दे चोट दे के जावांगा। गुरु ते सिख दा प्यार देखियो, एक पासे पुत जिहड़े ने उह शहादत दा जाम पी के ने टोटे टोटे हो के मैदाने जंग विच पए ने, दूजे पासे कलगियां वाले बापू कहिंदे चुप चपीते नहीं मैं जाणा, लखां दी तादाद विच बाहर फौज है। कहिंदे फैसला कीता गया, तीन सिख महाराज ने नाल लए ने, एक सिख दा नाम भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, तिने सिख नाल रहे। इन्हां विचों भाई मान सिंह दा नाम आउंदा है। एक विद्वान सज्जन कहिंदा कहिंदे भाई मान सिंह ऐसा हठी सिख सी जिहड़ा कदे जिंदगी विच नहीं सी रोया, यह रोया एक जगह ते। उह मैं नाल नाल तुहानूं बेनती करन लगा गुरु ते सिख दे प्यार दी दास्तान। कहिंदे ने तिने सिख लए, गढ़ी दा दरवाजा खुल्लिया, नगारे उत्ते चोट वजी, बापू कलगियां वाले ने एक प्लैनिंग तैयार की, कहिंदे तिना साइडां उत्तों खड़े होके तुसीं एक आवाज देनी, पीरे हिंद में रवत, पीरे हिंद में रवत। इहदा मतलब सी हिंदुस्तान दा पीर जा रहा जे, बड़ा वड्डा खिताब सी, हिंदुस्तान दा पीर जा रहा जे, जिदे विच हिम्मत है आके रोक लवो। कहिंदे तिन्नों जगह ते वक्खो वक्खरी दिशावां ते जदों आवाज आई, मशालां जगाईयां, हफड़ा दफड़ी मच गई, पकड़ लो फड़ लो फड़ लो, बड़ा कुछ होया। कलगियां वाले बापू जी तुरे जा रहे ने, लेकिन हेक ठोक के गए। इत्थे एक विद्वान सज्जन दी मैं गल पढ़ी, वो कहिंदे ने कलगियां वाला भी तां निकलिया क्योंकि उन्हें अपनी जान बचाउणी सी, नहीं कलगियां वाला निकलिया नहीं, हेक दे तान नाल गया। मालक जी गए ने ते कह के कहने हिम्मत है ते आके रोक के तां दिखाओ तुसी, पर हिम्मत किसी दी उस टाइम मौजूद नहीं सी। कहिंदे बापू कलगियां वाला बाहर आया, इत्थे थोड़ा जिहा दिलां दीआं धड़कणां नूं रोक के सुणियो। मैं ना भुलदा हां ते शायद एक कवि गुरमुख सिंह है, मैं गलत भी हो सकदा कवि दे नाम तों, पर उहदी कहानी जिहड़ी उहने इत्थे रची बड़ी सोहणी है। उह कहिंदे बापू कलगियां वाले बाहर आए ने, जदों बापू जी बाहर आए तुरे जाण नंगे पैर सच्चे पातशाह महाराज दे, ते इक चोट वजी, जदों चोट वजी हेठां बंदा देखदा, जदों कितें चोट वजे बंदा देखदा कोई पत्थर तां नहीं लगा, कोई हिट तां नहीं रस्ते विच पई होई। कहिंदे जदों हेठां महाराज ने वेख्या ते साहिबजादा अजीत सिंह दी लाश पई होई सी, उह वी कई टोटे होए पए ने क्योंकि सीने विच कई तीर वजे ने, कई तलवारां दे जख्म होए ने, कई सीने दे विचों आर पार नेजे होए ने। बापू कलगियां वाले ने पुत दी लाश वेखी, खूनों खून होई लाश वेख के सच्चे पातशाह महाराज टप के कहिंदे अगां चले गए। पिछे भाई दया सिंह जी आउंदे पए ने, विद्वान सज्जन कहिंदे भाई दया सिंह जी रुक गए, उन्हां दी अखां दे विचों थोड़ा पानी आया, उन्होंने अपना कमर कस्सा खोलिया। कमर कस्सा खोल के जदों साहिबजादे अजीत सिंह दी लाश नूं ढक्कन लगे, ते कलगियां वाला बापू पिछां मुड़ के वेखदा है, कहिंदे भाई दया सिंह की होया, रुक क्यों गयो? ते भाई दया सिंह हौका भर के कहिंदा मालका साहिबजादा अजीत सिंह दी लाश पई, ते जे इह लाश कितने आनंदपुर साहब की पावन धरती से पई होंगी तो करोड़ों लोगों ने करोड़ों दुशाले अर्पण कर देने से, पर अज मेरे को सवाए कमर कसे तो होर कुछ भी नहीं, बस लाश में ढक्कन लगा।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕਰ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੜੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਧਰਮ ਕੀ ਰਾਹ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਫਨ ਕਿਸਮਤ ਮੇਂ ਲਿਖਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਕਫਨ ਕਾ ਪੜਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਫਨ ਮੇਂ ਲੇਟੇ ਜੇ ਮੁਝਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਲਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੇਠ ਦਿਖਲਾਈ, ਫਿਰ ਏਕ ਕੇ ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਜਿਤਾਨਾ ਜੇ ਕਹੀਂ ਕਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੋ ਬੇਟੋ ਮੇ ਵੀ ਜੋ ਫਰਕ ਸਮਝੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੀ ਦੇ, ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਰਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਖੂਨ ਸਿੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਓ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਲ ਛੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਤੁਰੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆਣਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
सतगुरु सच्चे पातशाह ने दिलासा दिता है भाई मान सिंह नहीं अखां दे विचों गुरु दे सिख दे गुरु दे प्यारे दे नीर नहीं आना चाहिए तू कदे याद रख इतिहास पढ़िया होगा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज का तत्ती तवी उत्ते बैठे ने रेत पाई गई है साड़ साड़ के मिज उन्हां दे शरीर की कटी गई दुश्मनों ने लाख तसीहे उन्हां नूं दित्ते ने देग विच वी उबालिया है लेकिन उन्हां दी जबान तो एक शब्द निकले ने हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी जे सुख दे तां तुझे अराधी दुख भी तुझे त्याई जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच सूख मनाई मालक जी जो तू करदा है उलाहनो मैं काहु ना दियो मन मीठ तुहारो कियो तेरा कीता होया सारा भला हुंदा है तेरे कीते विच साडा भला हुंदा है पर कई बार असी ये सोच बैठे हां जो तू करदा है साडा बुरा हो जाए इस सिख ते गुरु दे प्यार दी इक दास्तान है अखीर विच क्योंकि समा भी सीमित है दिल तां नहीं करदा मेरा दिल करदा मैं रूटीन वाज गां तुरिया जावां पर समा रोक लैंदा है समय दे विच ताकत है रोक लैंदा है सो अखीर विच मैं तुहानूं इक बेनती करन लगा गुरु के प्यार की एक दास्तान याद रखियो साडा गुरु संपूर्ण है असि अधूरिया के नहीं एक विद्वान सज्जन की मैं विचार सुन रहा कल वह कहते मैं राजस्थान कथा करने वास्ते गया मैं किसी ने सवाल किया भी सिखा तू नहाना होना है वह कहता जी हाँ मैं गुरु का प्यार है गुरु का सिख हाँ भी नहाना है इशनान करी दो टाइम तीन टाइम जिन्हें वक्त मौका मिल जाए नहा लीदा कहते अगो मैं उन्होंने सवाल किया कि तुम अपने गुरु में भी नहाने कभी गुरु का इशनान कराया तो गुरमुख प्यारा कहता मैं थोड़ा जा सुचेत हो गया तो मैं ओदा प्रकरण देख लिया भी यह केड़े रेडियो स्टेशन तो बोलता पिया है मैं देख लिया भी कितों बोलता पिया क्योंकि ऐसी वो सरसे वाले साहब का चेला तो कहते जो उन्हें कहा ना भी तुम गुरु ग्रंथ साहब को कदम नवाया तो कहते मैं उन्होंने एक जवाब दिता गुरमुखा साडा गुरु गंदा नहीं साडा गुरु पवित्र है पाक पवित्र है इन्ना कु पवित्र है कि जेड़ा इहदे चरणां विच आ जाए गुरु ओनू ही पवित्र कर दिंदा है ते जरूरत पैंदी है गंदियां नूं नवाउण दी पवित्र नूं नवाउण दी जरूरत नहीं साडा गुरु तां पाक पवित्र है साडा गुरु इन्ना कु संपूर्ण है जेड़ा अधूरा भी इहदे कोल आ जाए गुरु ओनू ही पूरा कर दिंदा है गंदा भी इहदे कोल आ जाए गुरु ओनू ही सोहणा बना दिंदा है ते सतगुरु खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार सतगुरु बड़ी रहमत करदा है दो तीन मिनट लैके समाप्ति कर लगा गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह का दरबार लगा गुरु साहब के कोल सिख आया एक सिख आके सतगुरु नूं कहिंदा महाराज एक तुहानूं बेनती है अज असीं संसार विच दूर दुराडे निगाह मार के वेखदे हां ते बड़े गुरु मिलदे ने पर सतगुरु जी जिन्ना आनंद तुहाडे पावन चरणां विच बह के आउंदा है ते जे किसी अखौती ते नकली गुरु की संगत कर लईए ते गल नहीं बनदी महाराज तुम दस सकते हो यह भाणा कि महाराज ने एक गल कही कहते सिखा गुरु चार प्रकार के होंगे आ संदेश लैके जाए बड़ी सोहनी गल सतगुरु ने कही कहते गुरु चार प्रकार के होंगे ने पहला गुरु होंगे भृंगी गुरु दूजा गुरु होंगे चंदन गुरु तीजा गुरु होंगे पारस गुरु ते चौथा गुरु होंगे दीपक गुरु सिख ने जिन्हें सवाल किया कहना सच्चे पातशाह मेरी तो समझ में नहीं पिया कृपा करके खोल के थोड़ा जा समझायो ते संखेप बेनती मैं कर लगा सतगुरु कहते भृंगी एक छोटा जा कीड़ा होता है वह छोटा जा कीड़ा एक निके जे कीड़े नूं चुक के अपनी खुट दे कोल लैके आउंदा जिथे ओह रहिंदा उत्थे जदों लैके आउंदा ते ओह भृंगी कीड़ा जिहड़े कीड़े नूं चुक के लैके आउंदा ओहदियां नासां दे कोल ओहदे मूंह दे कोल बिलकुल नाल मूंह ला के ते अपनी आवाज कढ़दा एक दिन हुंदा है दो दिन हुंदा है तीन दिन हुंदा है जदों काफी दिन अपनी आवाज नूं सुणदा रहिंदा है ना ते चौथा पंजवां दिन आउंदा जदों ओह चुक के लियांदा होया कीड़ा भृंगी कीड़े दी आवाज बोलण लग पैंदा पर महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब कहिंदे सिखा भृंगी कीड़े विच इन्नी ताकत नहीं असमानी उड़दे ते धरती ते चलदे सारे पंछियां ते कीड़े मकौड़िया नूं अपनी आवाज अपनी बोली सिखा दे ओह अजे अधूरा है बहुत गुरु इस संसार विच इदां दे ने जिहड़े भृंगी कीड़े वर्गे ने जिहड़े लालच दे के दो चार बंदियां नूं खरीद लैंदे ने दो चार कवियां नूं विद्वानां नूं खरीद लैंदे ने ते ओह दुष्ट अपनी बोली उहनां नूं सिखा दिंदे ने ते ओह दुष्ट उहनां दी बोली बोलण लग पैंदे ने मैं विद्वानां दीआं किताबां पढ़ियां ने चंगे चंगे तगड़े विद्वान खरीदे ने उहनां दुष्टां ने जिहड़े खुद अपने आप नूं कहिंदे ने असीं सतगुरु हां ते साडे तों इलावा गुरु होर कोई नहीं इत्थों तक वी कई वार सवाल पैदा दिमाग विच आ जांदा वेखो जदों ओह कथा करते ने ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी करन गए मैं तुहानूं अपने परिवार की दस दिना मैं छोटा जिहा सी जदों सिक्खी दी सोची नहीं सी मेरे माता पिता खुद देहधारी गुरु डम दे पिछे लगे हुए सी जदों छोटा जिहा सी लेकिन मैनूं सारी संभाल है साडे नेड़े इक पिंड सी उहनां ने वरगला लिया उहनां नूं भी आजो भी नामदान लैंदे आ उह नामदान लैण वास्ते जदों गए जदों शाम नूं आए ते जिहड़ी बोली सी मैं नाम नहीं लैण लगा क्योंकि लड़ाइयां पै जांदियां कई वारी
जो जे नकली गुरु का नाम दिन ना लैके आए वह नाम दिन का नामदान कि जोत निरंजन ओहकार रड़ंकार सोहम सतनाम हम इशारा मैं तुम कर दिना पंजाब के जो सब तो मशहूर गुरु है ना ये नामदान है ये पांच अखर वोदे है बाकी तुम समझ के हो गए फिर मैं रिपीट कर देव जोत निरंजन ओहकार रड़ंकार सोहम सतनाम ये पांच अखर ने जो मेरे माता पिता लैके आए तो बड़ी सानू भी खुशी सी असं भी जिदा फतेह बनाने वो जो उन्होंने कोई उन्होंने तकिया कलाम से असं बुलाया माँ बाप बड़े खुश भी साड़ी पुत भी चल पेगी वधिया क्योंकि वह धार्मिक बने से नकली धार्मिक से असं भी नकली धार्मिक बन गए जो शाम हुई तो मम्मी ने भी चादर लै ली प्यो ने भी चादर लै ली तो चादर पकड़ के तो बिल्कुल शरीर को ढक लिया तो इदा बह के जिमें कोई मर गया होंगे है बिल्कुल समाधियां लाइया इदा बह के ते दो दो घंटे उठना गुणमुण 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 करते रहन आखिरकार जो साड़ी समझ में आया फिर उन्होंने समझाया कि तुम कि चक्कर पाए हो आ नाम नामदान छोटा उन्होंने पांच अखर सिखा के तुहाडी जिंदगी बर्बाद कर दी कदे पढ़ के वेख्यो करोड़ा अखर ने कदे पढ़ो तो सही है सारा नामदान ही है आ नामदान नहीं है तेरा किया पढ़ो जा तो ना ही मैनो मैं निर्गुण यारे को गुण ना ही आपे तरस पया में राम तो ही सतगुर नानक नाम मिले जीवा तन मन हुण ये नामदान ही है ते सतगुरु महाराज की कहिंदे ने आ नाम ही है जिहड़ा असीं जपदे आ नाम ही है जिहड़ा भाई साहब तुहानूं जपा के गए ने नाम ही है जिहड़ा अखंड पाठ के रूप में चल रहा है नाम ही है जिहदी व्याख्या मैं कर रहा है यह नाम ही है इस नाम नूं सुनवा के तुसीं सारे बैठे हो आखिरकार मेरे जिहड़े मदर सी वह वहमी बड़े से आ सतगुरु की कृपा ही मैं भागा वाला कि अमृतधारी ने गुरु के प्यारे ने ते जिहड़ियां गल्लां सानू कदे समझाउणियां पैंदियां सी अज वो सानू समझा रहे ने ते मैं फिर उन्होंने पुछ लिया सी एक वार दस तां दो तुसी हुण अमृतधारी हो गए हो वो नामदान किहड़ा सी ते उन्हां दे मन विच अजे भी डर सी वो कहिंदे नहीं बंदे नूं रोग कोई लग जांदा पुत दसणा नहीं तैनूं मैं कहा भी क्यों कहिंदे नहीं नहीं बाबा कहिंदा सी जे किसे नूं दस्सिया ते उसदा तुसी कोहड़े हो जाओ तुहानूं कोई रोग लग जाए कोई घर विच बंदा ही मर जाए मैं कहा तूं गल की है बाबा करोड़ां नूं कन्ना मन्ना घुर करी जांदा है ते उहनूं तां अजे तक बुखार नहीं चढ़िया ते तुहानूं दस्सण दे नाल बई की होजू फिर जदों उहनां दा वहम दूर कीता ते फिर जाके किते गल पल्ले पई किते आ पै जाए फिर गल मन्नी इह भरिंगी गुरू है जिहड़े दो चार बंदियां नूं कन्ना मन्ना घुर तूं मेरा चेला मैं तेरा गुर करा के अपने पिछे लाउंदे ने पर साडा सतगुरु पूरा जिथे चला जाए उत्थे करोड़ां लोक आके नमस्कारां करके बापू वर्गे बन जांदे ने सतगुरु कहिंदे अगला गुरु है उहदा नाम है चंदन गुरु चंदन सदा सुगंधी नहीं जे वंडदा पंज मिनट मैं होर लैणे तुहाडे समाप्ति फिर चंदन सदा सुगंधी नहीं वंडदा चंदन का एक खास मौसम होंदा जदों सुगंधी दिंदा सतगुरु ने कहा कहिंदे ने चंदन के कोल बाकी दरखत होंदे ने जदों सुगंधी वंडदा ते बाकी दरखत उहदी सुगंधी पा लैंदे ने पर चंदन दे नेड़े पूरी जिंदगी वांसदा दरखत रहे ते चंदन कदे उहनूं अपने वर्गा नहीं बना पाउंदा सतगुरु कहिंदे ने एक चंदन वर्गे गुरु हुंदे ने जिहड़े किसे खास समय ते अपनी शकलां दिखाउंदे ने खास टाइम आउंदा है जदों अपनियां शकलां दिखाउणगे छोटी जी तुहानूं इक बेनती कर लगा मेरे नगर दी है उत्थे इक इदां ही गुरमुख प्यारा पिछे लग गया मैं उहनूं इक निक्की जी बेनती कीती मैं कहिंदा तेरे लड़के लड़के दा विआह होवे ते किनू लैके आउणा कार्ज सवारन वास्ते ते कहिंदे मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते मैं कहा भी तू तो गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु नहीं मानदा तू जिन्हू मानदा उहनूं जाके रिक्वेस्ट कर भी बाबा जी मेरे मुंडे दा विआह 3 घंटे 48 घंटे बहना है मेरे घर विचारे छोटी जी गल है नॉर्मल है पर बहुत कुछ देवेगी तुहानूं मैं कहा उहनूं जाके कही कि बापू तेरा मैं नामदान लिया है ते 48 घंटे मेरे घर आके तू बहना है क्योंकि मेरे मुंडे दा विआह है वो कहिंदा जी ऐसा तो नहीं हो सकता साडा बाबा ते आउंदा नहीं खास खास टाइम ते आउंदा है ते मैं कहा भी कम सवार ना होवे ते गुरु ग्रंथ साहिब नूं 48 घंटे बिठा लिया ते जिहदी जरूरत ही ना होवे उहदे चरणां विच जाके सारा कुछ अर्पण कर दिता वो कहिंदा जी ऐसा होंदा नहीं जी साडा सतगुरु खास खास टाइम ते आउंदा है ते जिहड़ा खास खास टाइम ते आउंदा है वो गुरु कहदा होया वो तां चंदन ही है ना भी कदे सुगंधी बेनती ते कदी ना दित्ती ते इह किहड़ा है गुर मेरे संग सदा है नाले इह तां सदा है जे तुसीं गड्डी च बैठे हो जपजी साहिब पढ़िया ते बापू तुहाडे नाल है जे तुसीं होर किते जगह ते हो बाणी पढ़ी ते गुरु तुहाडे नाल होवेगा संखेप जी बेनती करां अगला गुरु किहड़ा अगला गुरु है पारस कहिंदे पारस 8 धातां नूं बदल दिंदा है तांबा लोहा आदि उहदे नाल सुहा दित्ता जाए सोना बना दिंदा है पर पारस सोना बनाउण दी शक्ति तां रखदा होवेगा पारस कदी किसे नूं पारस नहीं बना सकदा पारस ने जेड़े लोहे नूं सोना बना दिता वह सोना किसे दूजे लोहे नूं सोना नहीं बना सकता पर इत्थे साडा सतगुरु ऐसा पारस है
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਦਓ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਓ, ਘੋਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਜਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲਈਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਜਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪ ਵਰਗੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜੀ।